जौनपुर में अपहरण व रंगदारी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। खबर जौनपुर से है, जहां नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का 4 साल पहले अपहरण कराने और पिस्तल साठ कर रंगदारी मांगने, गालियां व धमकी देने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में वे लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। इसके पहले भी मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी एमएलए शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दोनों आरोपियों को अपहरण व रंगदारी में दोषी करार दिया था। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 मार्च की तिथि नियत की गई थी। वहीं पूर्व सांसद धनंजय व संतोष विक्रम सिंह को कुछ धाराओं में सजा दी गई है, जो कि 364 भारतीय दंड संहिता अपहरण के मामले में आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माना। दूसरा 386 भारतीय दंड संहिता रंगदारी मांगने के आरोप में 10 वर्ष का सजा और जुर्माना। तीसरा 120B भारतीय दंड संहिता षड्यंत्र में जिस प्रकार के अपराध के लिए लगा है वही षड्यंत्र ही दंड होगा। 506 के अंतर हुई है। भारतीय दंड संहिता में अधिकतम 7 वर्ष या न्यूनतम 2 वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर नगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके साथी विक्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि रविवार की शाम को पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने साथी विक्रम सिंह के साथ 2 व्यक्ति पचहटिया स्थित साइट पर पहुंचे। वहां फॉर्चुनर गाड़ी में बादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास मोहल्ला काली कुत्ती में ले गए थे। वहीं धनंजय सिंह पिस्तौल लेकर आए और गालियां देते हुए बादी के फर्म को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव डालने लगे। वहीं बादी को इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी का मांगा गया। वहीं किसी प्रकार उनके चंगुल से निकलकर बादी लाइन बाजार थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को उनके आवास पर गिरफ्तार करके कोर्ट में दूसरे दिन पेश किया। फर्जी मुकदमा कायम किया गया था, आज उस फर्जी मुकदमे में मुझे फर्जी सजा कर दी गई, तो आज उस मामले को हम लोग हाई कोर्ट हो गया। आज माननीय न्यायालय EDJ 4 MPMLA कोर्ट श्री शरद त्रिपाठी जी के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के विरुद्ध चार्ज जो बने थे 364 IPC 386 IPC और 504 506 IPC में, उसी में माननीय न्यायालय ने आज सजा सुनाया है। 364 IPC में 7 साल और 50,000 जुर्माना है, 386 IPC में 5 साल 25,000 जुर्माना, 504 IPC में 1 वर्ष और 506 IPC में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। क्या दोनों